नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सरकार के कड़े कानून बनाने के बावजूद नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी की हदों को पार करने वाले हैवानों की करतूत लगातार सामने आती रहती है। कुछ ऐसा ही मामला है जहां खुड़ैल थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में महज 14 साल के नाबालिग बच्ची के साथ पास में ही रहने वाले दरिंदे मुंह बोले चाचा ने बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना लिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल मामला शहर के ग्रामीण इलाका मौजूद खुड़ैल थाने क्षेत्र के ग्राम जामुनिया में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर चंद ही घंटों में आरोपी को अपनी ही गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी पीड़ित बच्ची के पास में रहने वाला ही मुंह बोला चाचा है। बहला फुसलाकर बच्ची को अपने घर में ले गया और फिर डरा धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस को जाने पर परिजनों को बताने की भी धमकी देने लगा। घबराई बच्ची की हालत को देखकर जब माता पिता ने जोर देकर उससे पूछा तो उसने पूरी घटना बताई, जिस पर शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मुंह बोले चाचा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। थाना खुड़ैल कंपेल चौकी के अंतर्गत एक ग्राम जमुनिया से रिपोर्ट आई है कि दिनांक 4/10/2021 को एक व्यक्ति द्वारा 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया है। डराने धमकाने के कारण उस समय उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई। कल इनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जिस पर थाना खुड़ैल पर अपराध क्रमांक 600/21 कायम किया गया है और आरोपी गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।